हेलो। सर आ रही थी बस। हाँ जी, ओके। मेरी बाइक क्लियर है सर? हाँ जी हाँ सर, ऐसे सर मैं को होस्ट बनाता फोन जी। ये सर तुम केबल ला रहे हैं बाहर वाइफ की जो डिस्टॉर्शन आती है। हेलो, थोड़ी वाच थोड़ी डिस्टर्बेंस है। ये बोल दिया था डी वाच भी आ रही है डिस्टरबेंस। और बोल है कि दे डिस्टर्बेंस? हेलो हेलो, स्क्रीन शेयर करो जी। रात को सर लैपटॉप क्या कंप्यूटर में हाँ जी, रन क्रॉसने है ना इसमें? स्लाइड शो रन करो। ठीक है जी। नीचे ट्रांजिशन हर स्लाइड पे पाई है सर एनिमेशन। थोड़ी बहुत है कि ज्यादा नहीं है जी। कितने स्लाइड्स में टोटल टोटल हाँ जी, स्लाइड्स के लिए ठीक है, 6-7 ही है। सर। अपना बजे हुए हैं 56 हुए हैं, 10 बजे मैं एंटर कराऊंगा सारे में। ठीक हाँ जी, है जी मुझे। हेलो। हेलो, हाँ जी, ठीक है मैं 3 मिनट जो बाकी सारे स्टूडेंट्स को एंटर करवा देना। तो 10:02 से शुरू करते हो अपना लेक्चर, तो ओके सर। 10:45 से अपना सर खत्म हो जाना चाहिए था। तो 5 मिनट का क्विटी सेशन रखना है, 50 तक का टोटली बंद करना है। ठीक है जी। 10:45 तक टाइम हो गया। ओके जी।
सर प्लीज स्टार्ट करो। ओके, नमस्कार। माय नेम इज लखन पाल। मैं सारे अपने कलीग्स ते सिखियार्थियों का स्वागत करता हाँ। आज का लैक्चर अपना जो है इंट्रोडक्शन टू टैली टीचर एंड एडवांटेज एंड इम्प्लीमेंटेशन अकाउंट्स इन टैली। आज दे अपने ऑब्जेक्ट हैगे ने टैली दी इंट्रोडक्शन है, उस दिया फीचर ते एडवांटेज है, ते नाले अकाउंट्स नू आपां टैली दे विच किवें इंप्लीमेंट करना हैगा उस दर। हाँ जी, इंट्रोडक्शन टू टैली। टैली इज एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शंस सच एज इन्वेंट्री, सेल, फाइनेंस, परचेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एक्साइज एंड पेरोल, ईटीसी। ठीक है, जिहड़ा टैली है एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिहड़ा अकाउंटिंग दियां हरेक प्रॉब्लम का हल थोनू दिंदा हैगा। जो भी थोनू ट्रांजैक्शंस थोड़ियां बिजनेस दे विच हुंदियां ने उन्हां वो सारियां पॉसिबल बनाउंदा हैगा अकाउंटिंग एंट्री दे विच कन्वर्ट करन दे। टैली आल्सो हैज एक्सटेंसिव फीचर टू रिकॉर्ड, एक्सट्रैक्ट, डिस्प्ले एंड प्रिंट इन्फॉर्मेशन इफेक्टिवली। अते टैली जिहड़ी थोड़ी जिहड़ी अकाउंटिंग दी इन्फॉर्मेशन एंटर करदा हैगा उसनू एक चंगे ढंग दे नाल डिस्प्ले भी करवाउंदा हैगा। प्रिंट दे उस दे विच बहुत सारे ऑप्शन हैगे ने जिहड़े तुसीं यूज करदे हैगे हो, ते एक्सट्रैक्ट करनी है इन्फॉर्मेशन कित्थों लैनी है या रिकॉर्ड करना है उस दे विच थोनू बहुत वधिया फीचर प्रोवाइड करदा हैगा। दी इनिशियल वर्जन 4.5 ऑफ टैली वाज रिलीज इन 1986। जिहड़ा टैली दा शुरू वाला वर्जन सीगा किस दा है ना, जिहड़ा टैली वाला ओरिजिनल वर्जन सी 4.5 वो 1986 दे विच रिलीज होया सी। वो डोस बेस सीगा फ्रॉम दैट टाइम। ठीक है, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टुडे उदों तों लैके हुण तक टैली हैज रिलीज विद मैनी चेंजेस एंड इंप्रूवमेंट्स। उस टाइम तो लैके टैली दे विच हुण तक बड़े सारे इंप्रूवमेंट होए ने, बड़े सारे इंप्रूवमेंट्स दे नाल वो रिलीज होया है। दीज रिलीज ऑफ टैली आर नाउन एज इट इज वर्जन। जिहड़े ये रिलीज ने उहनां नूं टैली दे किसी भी सॉफ्टवेयर दे है जदों भी वो किसी इंप्रूवमेंट या किसी नवी फीचर दे नाल एक नवे नाम दे नाल रिलीज हुंदा या एक नवे टॉपिक दे नाल रिलीज हुंदा है तां उसनूं उसदा वर्जन बोलिया जांदा हैगा। दी करंट वर्जन ऑफ टैली इज ERP 9 विच कंटेन कंप्लीट अकाउंटिंग सोल्यूशन एंड एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम। जिहड़ा ERP है इस दे विच ऐड होया है, जिहड़ा नवा वर्जन है 9 दे विच, तां इह की है तुहानूं तुहाडी ऑर्गेनाइजेशन दे जिन्हें भी रिसोर्स ने उहनां नूं मैनेज करन दे विच हैल्प करदा हैगा। उहनां दी मैनेजमेंट वास्ते तुहानूं कोई तरीका प्रोवाइड करदा हैगा। हाँ जी, ये ERP दा व्यू है जिस दे विच मतलब ERP नूं डिफाइन कीता है वो कैड़ी कैड़ी तुहाडे अकाउंटिंग फंक्शंस नूं मैनेज करदा हैगा, जिवें परचेज मैनेजमेंट है, सेल मैनेजमेंट है, ये सारे रिसोर्सेज ने। ठीक है, इन्हां सारे रिसोर्सेज नूं मैनेजमेंट मैनेज करता हैगा, जिवें HR है, ह्यूमन रिसोर्सेज, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, CRM। ठीक है जी, टैली दियां फीचर। टैली ऑफर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोचर। टैली बहुत सारे अलग अलग तरह के वोचर आपां नूं प्रोवाइड करता है जिस दे नाल आपां अपने बिजनेस दिया किसी भी ट्रांजैक्शन नूं आपां अकाउंटिंग एंट्री दे विच कन्वर्ट करन दे एबल हुन्ने आ। ठीक है जी, कड़े कड़े वोचर हैगे ने इस दे, पेमेंट है, रिसिप्ट है, परचेज, सेल, जर्नल, डेबिट, क्रेडिट, डिलीवरी। ठीक है, इस तरह दी सारियां ट्रांजैक्शंस वो आपां नूं प्रोवाइड करदा हैगा। टैली मैनेज अकाउंटिंग बुक्स। सिर्फ थोड़ा काम टैली दे विच की हुंदा है, तुसीं इस दे विच लैजर क्रिएट करनी आ ते वोचर एंट्री पानी, उस तो बाद सारा काम टैली दा स्टार्ट हो जांदा है। टैली ऑटोमेटिकली थोड़ियां सारियां बुक्स नूं मैनेज करदा हैगा। टैली प्रिपेयर फाइनल अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। जिहड़ा फाइनल अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हुंदियां ने जिवें कि अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट। ठीक है, वो सारियां ऑटोमेटिकली प्रिपेयर करता हैगा।
टैली कीप्स रेडी फाइनेंशियल एंड स्पोकन इनफॉर्मेशन विच हेल्प यू इन डिसीजन मेकिंग। टैली थोड़े वास्ते सारिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नू रेडी रखता है, स्टॉक मैनेजमेंट स्टॉक इनफॉर्मेशन नू रेडी रेडी रखता है, जिस दे तार ते तुसी जो मतलब अपने बिजनेस दे विच डिसीजन ले सकते हैं। एडवांटेज ऑफ टैली, फर्स्ट एडवांटेज इस दा है सिंपल, टैली इज सिंपल टू लर्न एंड फ्लैक्सीबल टू यूज। ठीक है जी, जी टैली है सिंपल है तो फ्लैक्सीबल है यूज करन दे। इस दे विच तुसी जड़े मर्जी टाइप का बिजनेस होवे तुसी उसनू इस दे विच हैंडल कर सकते हैं। इट अलाउ बोथ कीबोर्ड एंड माउस कन्वर्जेंस फॉर स्मूथ एंड ईजी डाटा एंट्री। डाटा एंट्री वास्ते इस दे विच तुसी कीबोर्ड ते माउस दोवां नू यूज कर सकते हैं। मल्टी लिंग्विजल कैपेबिलिटी, टैली अलाउ यू टू रिकॉर्ड व्यू एंड प्रिंट इंफॉर्मेशन इन एनी इंडियन लैंग्वेज बी साइड फ्यू इंटरनेशनल लैंग्वेजेस सच एज इंग्लिश अरबिक बहासा इंडोनेशिया। तो बहुत सारिया जड़िया अपन जड़िया नैशनल लैंग्वेज ने जिमें अपने नोट पर जड़िया बनिया होंगे ने 15 languages ने नैशनल, तो उन्होंने इसनों हैंडल कर सकते हैं। तो दूसरा कुछ इंटरनेशनल लैंग्वेज भी थोड़ा प्रोवाइड करता है जिस दे विच तुसी अकाउंटिंग नू मैनेज कर सकते हैं, अपनी अकाउंटिंग नू चला सकते हैं। रियल टाइम प्रोसैसिंग, हाँ जी जी गल आप कर रहे हैं मीनस इस दे विच अपना जो काम होंगे एक अकाउंट्स क्रिएट करना तो एक वोचर एंट्री करना, उस तो बाद जो काम है इसका स्टार्ट है मतलब रियल टाइम प्रोसैसिंग। जिमें भी तुसी इस दे विच वोचर एंट्री करते हैं तो नाल दी नाल थोनू ये स्टेटमेंट तैयार करता है। टैली हेल्प्स टू जनरेट न्यूमेरियस रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट इंस्टेंटली अपॉन एंटरिंग द ट्रांजैक्शंस। हाँ जी एंड सिर्फ थोड़ी ट्रांजैक्शन से डिपेंड है, जिम्मे भी तुम ट्रांजैक्शन करते हो नाल दी नाल थोनू स्टेटमेंट्स रेडी मिल दिया ने। एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग, हाँ जी जरा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सब नू मेन जरा काम होंगे है वह की होंगे है रिसोर्स मैनेज करना। जो टैली का नवा वर्जन है ERP 9 ये इसते आधारित है, मीनस ये थोनू अलाउ करता है तुसी अपने बिजनेस के जो रिसोर्स ने जिमें प्रोडक्शन है मैनेजमेंट है इनवेंट्री है ह्यूमन रिसोर्स है सेल है परचेज है फाइनेंस है उन्होंने इस दे विच मैनेज कर सको। ड्यूटी एंड टैक्सेस, इट टैली कैलकुलेट्स ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस सच एज VAT, GST, TDS, TCS, TST, FBT और सर्विस टैक्स अकॉर्डिंग टू सिचुएटरी रिपोर्टिंग। सिचुएटरी रिपोर्टिंग मीनस गोरमेंट के हिदायतों के अनुसार ही वो सारी जड़ी थोड़िया टैक्सेस ने या ड्यूटीज ने उन्होंने कैलकुलेट कर दिया है। ऑटो बैकअप एंड रिस्टोर, हाँ जी टैली थोनू फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ऑटो बैकअप दी, जिस दे विच थोनू ये शोर हुंदा है मीनस जिहड़ा थोड़ा डाटा है उसका बैकअप लिया जा रहा है, किसी भी मूवमेंट ते कोई भी फेलियर हुंदा तो तुसी उस बैकअप तो अपना जिहड़ा डाटा है रिकॉल कर सकते हो रिट्राइव कर सकते हैं। टैली प्रोवाइड्स ऑटोमैटिक बैकअप फैसिलिटी टू सिक्योर यूअर कंपनी फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डाटा लॉस करप्शन एंड हेल्प्स इट इन स्मूथ फंक्शनिंग फॉर ऑफ यूअर बिजनेस। थोड़े बिजनेस दे विच मतलब कोई रुकावट नहीं आने देता है, थोड़ा डाटा सिक्योर है, तुसी किसी भी मूवमेंट से इसनों रिकॉल करके उस पॉइंट तो अपना जड़ा बिना मतलब अकाउंटिंग है स्टार्ट कर सकते हैं। रिमोट एक्सेस, हाँ जी रिमोट एक्सेस ओवली फीचर है जदों आप मतलब अपने कंप्यूटर नू किसी दूसरी थान तो एक्सैस करते हैं, टैली थोनू रिमोट एक्सैसिंग प्रोवाइड करता है जिस दे विच तुसी किसी भी जगह तो किसी भी समय अपने डाटा नू एक्सैस कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट ऑफ डाटा विद दी ODBC, ODBC ओपन डाटा बेस कनेक्टिविटी, टैली प्रोवाइड्स सिंपल एंड फ्लैक्सीबल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑपरेशन ऑफ डाटा इन वेरियस फॉर्मेट सच एज MS Word, Excel, पिक्चर फॉर्मेट ने PDF ने XML, HTML और Excel फॉर्मेट।
ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਇੰਪੋਰਟ ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟੈਲੀ ਓਫਰਸ ਐਕਸੈਸ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ। ਟੈਲੀ ਵੋਲੇਟਸ ਯੂਜ ਏ ਪਾਸਵਰਡ ਵਿਦ ਐਨ ਐਡਵਾਂਸ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਟੂ ਵੈਲੀਡੇਟ ਯੂਜ਼ਰ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਕਸੈਸ ਰਾਈਟ, ਐਕਸੈਸ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਪਲੋਈਜ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਮਲਟੀਪਲ ਲੈਵਲਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸੈਸ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੋਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਰੀਡ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀ ਵੋਲਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਸਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ, ਸਪਲਿਟ ਕੰਪਨੀ ਡਾਟਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਡਾਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੋਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਲ ਈਆਰ ਇਟੈਲੀ ERP 9 ਅਲੋ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਆਫ ਕੰਪਨੀ ਡਾਟਾ ਇਨ ਟੂ ਮਲਟੀਪਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਫੋਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੀਰੀਅਡ ਐਂਡ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੈਰੀ ਫੋਰਵਰਡ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪੀਰੀਅਡ ਐਜ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਦੀ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਪੀਰੀਅਡ। ਕਹਿ ਲੀਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲ ਅੱਗੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਕੈਰੀ ਫੋਰਵਰਡ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਈਮੇਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਟੈਲੀ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਈਮੇਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਟੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਯੂਅਰ ਰੈਸੀਪੀਐਂਟਸ ਐਂਡ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੈਸੀਪੀਐਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਡੀਟਰਸ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਆਡੀਟਰਸ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਦਿਸ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀ ERP 9 ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਫੋਰ ਆਡੀਟਰਸ, ਉਹ ਆਡੀਟਰਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਆਡੀਟਿੰਗ ਟੂਲਸ ਫੋਰ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਡਿਟ ਦੀ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਜਿਹੜਾ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਨ ਟੈਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸਦੇ ਫੀਚਰ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੋਪਿਕ ਹੈਗਾ ਮੀਨਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੀਨਸ ਆਪਣਾ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ। ਕੰਪਨੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਲੈਜਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਐਂਡ ਮਜ਼ਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ। ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਟੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਲੈਜਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਇਨਵੈਂਟਰੀ, ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਮੀਨਸ ਸਟੋਕ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਥਰਡ ਯੂਨਿਟਸ, ਉਹ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੇਜੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵੋਚਰ, ਅਤੇ ਥਰਡ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ
ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿੱਤੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੈਜਰਸ ਬਣਾ ਲਿੱਤੇ, ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਬਣਾ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਜ਼ਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾ ਲਿੱਤੇ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵੋਚਰ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਪਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਚਰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈਗਾ, ਵੋਚਰ ਐਂਟਰੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬੁੱਕਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੈਜਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ, ਬੈਂਕ ਬੁੱਕ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਆਪਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਰ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਐਕੂਰੇਸੀ ਆਫ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਐਂਡ ਵਿਊ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੋਕ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਟੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਪਰੈਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਇਨਵੈਸਟ 5 ਲੱਖ ਇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਇਨਸਰਟ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਇਨ ਦੈਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਉਸਨੇ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੀ ਓਪਨ ਏ ਫਰਮਸ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਇਨ ਬੈਂਕ, ਉਸਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਦਾ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਹੀ ਟੇਕਸ ਏ ਸ਼ੋਪ ਔਨ ਰੈਂਟ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਪ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿੱਤੀ ਫਰੋਮ ਆਰ ਕੇ ਗੁਪਤਾ ਤੋਂ, ਇਨ ਦੈਟ ਹੀ ਗੇਵ 1 ਲੱਖ ਸਿਕਿਉਰਟੀ, ਉਸਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਗਹਿਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਫੇਕ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 5,000 ਰੈਂਟ ਉਸਦਾ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਮੰਥ ਦਾ, ਨਾਲੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਵਿਕਰਮ ਬਾਏ ਸ਼ੋਪ ਫਰਨੀਚਰ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਪ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਵਪਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸ਼ੋਪ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸ਼ੋਪ ਪਰਚੇਜ ਕੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਪ ਫਰਨੀਚਰ ਪਰਚੇਜ ਕੀਤਾ 25,000 ਦਾ ਜੇ ਕੇ ਫਰਨੀਚਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੀ ਬਾਏ 2 ਸੈਲਿੰਗ ਫੈਨਸ ਐਂਡ ਏ ਟੇਬਲ ਫੈਨ ਫਰੋਮ ਗੋਇਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਆਫ 4,000, 4,000 ਦੇ ਉਸਨੇ ਸੀਲਿੰਗ ਫੈਨ ਅਤੇ ਟੇਬਲ ਫੈਨ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਇਆ ਪੇ ਕੀਤਾ। ਹੀ ਬਾਏ ਗੁਡਸ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਡਸ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 100 ਲੀਟਰ ਕੌਨਫੀਡੋਰ ਖਰੀਦੀ ਹੈ 125 ਦੇ ਰੇਟ ਨਾਲ ਅਤੇ 50 ਲੀਟਰ ਮੋਨੋ ਖਰੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 90 ਦੇ ਰੇਟ ਨਾਲ ਫਰੋਮ ਲਕਸ਼ਮੀ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਫੋਰ ਹਿਸ ਸ਼ੋਪ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਲਈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੈਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੈਰੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਹੈ 1,80,000 ਰੁਪਇਆ ਉਸਨੂੰ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਿਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ GST ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੀ ਕੈਸ਼ ਸੇਲ, ਉਸਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੈਸ਼ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 15 ਲੀਟਰ ਮੋਨੋ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ 25 ਲੀਟਰ ਆਪਣੀ ਕੌਨਫੀਡੋਰ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਟੈਲੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ।
हाँ जी, ये टैली का जो अपना वर्जन हैगा, ये वर्जन अपना ट्रायल वाला हैगा। इस दे विच अपना वर्क इन एजुकेशनल मोड दे विच एंटर करांगे। हाँ जी, स्क्रीन शो हो रही है थानू? हो रही है सर, हो रही है, प्लीज कंप्लीट। ठीक है जी। हाँ जी, वर्क इन एजुकेशनल मोड के बिच। हाँ जी, ये अपना टैली का गेटवे हैगा। इस दे विच अगर आपां थोड़ी बहुत आपां कंपनी स्टार्ट करते हैं, क्रिएट ए कंपनी। सब तो पहले आपां कंपनी क्रिएट करांगे। इस दे विच कंपनी क्रिएट दे विच सबनों पहले इसका नेम रखदा हैगा। तुसी कोई भी नेम दे सकते हो, जिवें आपां इस दे विच कंपनी का नेम दे रहे हैगे हां, सत्यम ट्रेडर्स। ओके जी, फिर उसका मेलिंग नेम सेम होएगा, या तुसी हो कोई चेंज करना चाहो तो। फिर उसका एड्रेस होएगा, कोई भी सिटी तुसी इत्थे पा सकते हैगे हो, मलोट। फिर स्टेट पानी, फिर तुसी कोई होर स्ट्रीट एड्रेस देना है तो कंप्लीट एड्रेस तुसी इत्थे जिवें स्ट्रीट नंबर 3 इंडिया, फिर स्टेट तुसी इत्थे, पंजाब, पिन कोड, जिहड़ा पिन कोड हैगा तुसी इत्थे एंटर करोगे। उस बाद फोन नंबर तुसी कोई इत्थे एंटर कर सकते हैगे हो। मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल एड्रेस थोड़ा, वेबसाइट कोई होवे तुसी उस नूं एंड एंटर कर सकते हो। उस तो बाद आंदा है फाइनेंशियल ईयर। ठीक है जी, फाइनेंशियल ईयर जेहड़ा करंट अपना चलता पिया हैगा 1 अप्रैल 2020 हैगा। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल तो स्टार्ट हुंदा हैगा। उस तो बाद बुक कीपिंग फॉर्म, बुक कीपिंग अपनी डिपेंड करती है, मीनस आपां अपनी ट्रांजैक्शंस कदों स्टार्ट कीतियां ते कदों उन्हां नूं रिकॉर्ड करना स्टार्ट कीता। ठीक है जी, तां इह कुछ भी हो सकदी हैगी है, इह जरूरी नहीं 1 अप्रैल तो ही स्टार्ट होवे, इह कोई भी हो सकदी है। तुसी किसे साल दे विच किसे भी महीने, मतलब किसे भी दिन तुसी काम स्टार्ट कीता तो तुसी इत्थे अपनी दे सकदे हो। जिवें अज हैगी है 11/6/20, तां जिहड़ी बुक कीपिंग है अज तो आप स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, वो करंट मतलब मंथली ले नहीं हुंदा सीगा, इस करके आपां 1 मंथ बैक कर दिता है इसमें। ठीक है जी, जो मतलब तुसी अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं ते उस तो बाद तुसी जो टैली वॉलेट का पासवर्ड दिने हैगे हो, ये वो टैली वॉलेट का पासवर्ड है जिथे थोड़ा सारा डाटा, ये कंपनी का डाटा स्टोर होना हैगा। तो कोई भी तुसी इत्थे पासवर्ड दे सकते हो, कन्फर्म करना पासवर्ड नू। उस बाद तुसी यूज सिक्योरिटी कंट्रोल यस करना या नो करना तुसी डिसाइड कर सकते हैगे हो। उस बाद सिंबल केड़ा तुसी यूज करना हैगा, करंसी सिंबल जिवें अपना इंडिया का रुपीज हैगा। उस बाद सुफिक्स सिंबल्स अमाउंट, ये अगर मतलब अमाउंट दे अगे थोड़ा जड़ा सिंबल शो होवे या ना होवे, ये थोड़ी जिहा इहदे च हैगियां चीज़ां तुसी यूज कर सकते हो। डेसिमल प्लेसेस, 2.2 प्लेस जिवें अपने पैसे होंदे ने, पैसे दे विच मतलब थोड़ा होएगा। डेसिमल प्लेसेस इन वर्ड, तां जिहड़ी अपनी यस पुछदा पिया, तुसी अपनी कंपनी क्रिएट करनी है तां यस कर दो। ते कंपनी क्रिएशन अपनी हो गई हैगी है, इत्थे आपां पासवर्ड एंटर करांगे।
इधर अपन कंपनी की इनफॉर्मेशन शो हो जाती हैगी है, उस बाद की है अपन वोचर एंट्री के बारे डिटेल शो हो जाती हैगी है। इधर मास्टर अपन टैली गेटवे हैगा जिस दे विच मास्टर दे विच की है क्रिएशन होंगी है, मीन तुसी कोई भी चीज़ क्रिएट करनी है टैली दे विच, कोई भी चीज़ तुसी क्रिएट करनी है तो तुसी मास्टर ते जाके क्रिएट करोगे, जिवें अकाउंट इनफो अकाउंट क्रिएट करनी है तुसी, ग्रुप्स ऑटोमैटिकली क्रिएट होंगे ने, ग्रुप्स आप क्रिएट नहीं करते हैं, आप लेजर क्रिएट करते हैं, जिवें लेजर आप क्रिएट करनी है, क्रिएट ते गए क्रिएट दे विच आपां जिवें अपनी ट्रांजैक्शन जिवें आपां इहदे च एंट्री कीतियां सी उसके बिहाफ ते आपां इस नूं यूज करांगे, जिवें आपां सभ नूं पहले मालक का खाता लगावांगे, ठीक है। मालक के खाते हमेशा कैपिटल ग्रुप के होंगे ने, जो भी आप कोई भी इन खाता क्रिएट करते हैं तो उसनों किस ग्रुप के अंडर दिने है, ठीक है। यह जे ग्रुप ने जोड़े अकाउंट की नेचर तो पता लगता भी वो किस किस ग्रुप के जाएंगे, तो इनवेंट्री फैक्टर वैल्यू यस और नो तुसी करनी है, पर इतने नो रखा क्योंकि अकाउंट जरा कैपिटल मालिक के खाते दे विच अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो इनवेंट्री के विच उन्दे विच कोई फैक्ट नहीं आता है, तो इतने की है इनवेंट्री फैक्टर नो, सिर्फ इनवेंट्री फैक्टर आप यस कितने करांगे जिथे आप परचेज या सेल अकाउंट करांगे, अदरवाइज सारे दे विच जिहड़ी की है वो इनफॉर्मेशन होगी आप उसनों नो करांगे। उस बाद उसका नेम हैगा एड्रैस है कुछ भी तुसी इत्थे एंटर कर सकते हैं, उस बाद कंट्री पंजाब स्टेट पिन कोड कोई एंटर तुसी इसका करना हैगा, प्रोवाइड बैंक डिटेल, बैंक डिटेल उसकी देनी हैगी तुसी इस दे विच दे सकते हैं, उस बाद पैन की इनफॉर्मेशन पैन कार्ड, तो उस बाद ओपनिंग जो आप नवे खाते स्टार्ट करते हैं तो ओपनिंग बैलेंस नहीं होंगे, ओपनिंग बैलेंस कदों होंगे जो अपना बिजनेस पुराना तो चल रहा है उदो आप ओपनिंग बैलेंस एंटर करते हैं, तो ओपनिंग बैलेंस नील। हाँ जी, एक लैजर आप क्रिएट की हैगी है, दूसरी लैजर कैड़ी क्रिएट करनी है आप अपना बैंक बैंक, ठीक है जी। तो जिमें आप एस बी आई बैंक सत्यम एस बी आई बैंक बैंक अकाउंट क्रिएट किया, ठीक है जी। सत्यम इसका क्या लिखता मीनस फर्म के नाम के उत्ते है, फर्म का नेम अगे डिस्प्ले होएगा अपने, अपन पता लगेगा भी ये जरा बैंक अकाउंट है अपनी फर्म का है, ठीक है। अगर आप सारे बैंक के खाते जिम्मे एस बी आई बैंक के नाम से पा दिते कोई उसकी डिटेल इस नहीं सबमिट की तो उदो अपन प्रॉब्लम आएगी जो आप ट्रांजेक्शन एंटर करा, क्योंकि बैंक अकाउंट की डिटेल अपन बहुत सारे दी शायद एंटर करनी पै सकती है इस जिमें भी ट्रांजेक्शन होंगे ने तो उस बिहाव के। हाँ जी, उस तो बाद जो बैंक अकाउंट होंगे ने बैंक खाते के बैंक ग्रुप के लगते हैं, जिमें इतने ग्रुप हैगा अपने को डिस्प्ले हो रहा थोनू अपनी राइट हैंड साइड पर लिस्ट ऑफ ग्रुप्स, उस बाद आप अकाउंट होल्डर का नेम दें इस जिमें जो इसका होएगा अकाउंट होल्डर जो मालक हैगा व्यापार का उसका नेम आ गया, इतने आप बैंक का जोड़ा अपना अकाउंट नंबर होंगे है उसनों एंटर करा, एफ आई आई एफ एस सी कोड आप एंटर करते हैं, बैंक का नेम नोट एप्लीकेबल तो सैट चैकबुक, चैकबुक थोड़े को हैगी है उसके बारे इनफॉर्मेशन देनी है यस और नो, ठीक है जी। फिर उसकी अगर डिटेल आ जाती है फरदर आप इसमें थोड़ा जहा बैक ले जाने हैं इतने नो ही कर देने एक बार आप एंटर करते हैं डिटेल, ओके जी। तो अगे एस बी आई बैंक तो अगे अपना एड्रैस हैगा और बैंक का एड्रैस जोड़ा होएगा वो तुम इन एंटर कर दो, फिर थोड़ी जी इनकी मेलिंग इनफॉर्मेशन हैगी है मीनस एड्रैस की इनफॉर्मेशन है वो तुम इन एंटर कर सकते हैं। तो सैकेंड अकाउंट अपना बन गया, थर्ड अकाउंट केड़ा हैगा अपना आप शॉप किराए पर लीती हैगी है तो आप उस बंदे का अकाउंट लगावेंगे जिस को आप शॉप किराए पर लीती हैगी है, जिमें किसी गोयल की नेम सी, हाँ जी एक मिनट,
ਆਰ ਕੇ ਗੁਪਤਾ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਪ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਗੈਂਦਿਸ਼ ਖਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਸ਼ੋਰਟ ਨੇਮ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਉਸਦੇ ਗਰੁੱਪ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੈਣਦਾਰ ਤੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਹੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੰਡਰੀ ਡੈਬਟਰ ਤੇ ਸੰਡਰੀ ਕਰੈਕਟਰ, ਸੰਡਰੀ ਡੈਬਟਰ ਤੇ ਸੰਡਰੀ ਕਰੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੇ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੈਣਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਡਰੀ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਣਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਡਰੀ ਡੈਬਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਨਟੇਨ ਬੈਲੈਂਸ ਬਿਲ ਬਾਏ ਬਿਲ ਨੋ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਿੰਗ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਵੈਲਿਊ ਫੈਕਟਰ ਨੋ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਅਕਾਊਂਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ JK ਫਰਨੀਚਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਪ ਫਰਨੀਚਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਡਰੀ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਨ ਪਰਚੇਜ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਨ ਪਰਚੇਜ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਿੰਗ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਿੰਗ ਆਪਣੀ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੇਮ ਉਵੇਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਪ ਰੈਂਟ ਦਾ ਖਾਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਪ ਐਕਸਪੈਂਸ ਖਾਤਾ ਲਗਾ ਲਓ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੋਪ ਰੈਂਟ ਦਾ ਖਾਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਐਕਸਪੈਂਸ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ, ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਵੈਲਿਊ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਵੈਲਿਊ ਫੈਕਟਰ ਨੋ, ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਲੈਦਰ ਨੋਨ ਐਪਲੀਕੇਬਲ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਪ ਰੈਂਟ ਐਕਸਪੈਂਸ ਦਾ ਖਾਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਐਡਰੈਸ ਬਰੂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਡਰੈਸ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਸ਼ੋਪ ਫਰਨੀਚਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਵੇਂ ਸ਼ੋਪ ਫਰਨੀਚਰ ਆਪਣਾ ਫਿਕਸ ਐਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਪੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਪ ਦੀ। ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਵੈਲਿਊ ਫੈਕਟਰ ਨੋ, ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਵੈਲਿਊ ਫੈਕਟਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਖਾਤਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਪਰਚੇਜ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ JK ਲਕਸ਼ਮੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤਾ ਆਪਣਾ ਸੰਡਰੀ ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ ਗਰੁੱਪ। ਉਸ ਵਾਂਗ ਮੇਨਟੇਨ ਬੈਲੈਂਸ ਬਿਲ ਬਾਏ ਬਿਲ, ਯੈਸ ਸੋਰੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਖਾਤਾ ਕੀ ਆਏਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਥਲ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ। ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤਾ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਏਗਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਇਨਫੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਇਨਫੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਯੂਨਿਟਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ।
हाँ जी सिंबल तुसी केड़ा यूज करना है, जिवें केजी वाला हैगा, केजी दे दित्ता हैगा, नेम किलोग्राम। डेसिमल प्लेसेस पॉइंट टू दस दो, पॉइंट तो बाद दो या तीन थोड़ा डिस्प्ले होन, या तीन कर सकते हो जिवें। हाँ जी उस तो बाद कोई होर सिंबल बनाना है, जिवें लीटर वाला बनाना है, तां ये थोड़े प्रोडक्ट दे नाल जदों तुसी सेल या परचेज करोगे उदों ये नाल यूज होंगे। लीटर सिंबल पॉइंट तो बाद किन्ने सिंबल थोड़ा डिस्प्ले करे तो वो तुसी इत्थे फिक्स कर सकते हो। हाँ जी दो अपने बन गए, अगर तुसी पैकेट पुकेट कोई बनाना है तो तुसी वो इस दे विच यूज कर सकते हो। तो जिन जड़िया भी आइटम थोड़े यूज होंगे ने वो किस क्वांटिटी दे विच किस यूनिट दे विच तुसी सेल या परचेज करते हैं हो ने। उस बाद अपने स्टॉक आइटम आ जाए ने इस दे विच। हाँ जी क्रिएट करना स्टॉक आइटम दे विच तुसी किस दे विच डील करते हैं हो, कड़े कड़े प्रोडक्ट थोड़ी शॉप दे विच हैगे ने तुसी ओहो इस दे विच एंटर करते हैं हो। जिमें आपां इस दे विच अपनी जड़ी उस दे विच दित्तियां ने, एक मोनो दित्ता हैगा, ये अपनी पेस्टिसाइड है, अंडर प्राइमरी ग्रुप आएगा, यूनिट्स एप्लीकेबल की हैगा इस दे विच लीटर दे विच आंदी है, जड़ी ये पैकिंग हैगी है वो लीटर दे विच आंदी हैगी है, तो वह तुसी इस दे विच दस सकते हैगे हो। जड़ी रेट ड्यूटी उस ते कड़ी लगती हैगी है तुसी इत्थे फिक्स कर सकते हैगे हो, मतलब ठीक है जी जिवें GST दी आपां गल करते हैगे हां, तो वह तुसी इत्थे फिक्स कर सकते हैगे हो, वो ऑटोमैटिकली थोड़ी इत्थे एंटर होएगी। तो एक बार आपां इस नूं इस तरह ही रखते हैगे हां। उस तो बाद की होंगे अपने जड़े दूसरा प्रोडक्ट अपना कॉन्फिडोर, उस दे विच अपना प्राइमरी ग्रुप दे विच इस नूं पाया हैगा कि इस दे विच आंदा हैगा, ये भी शायद लीटर दे विच ही है, तो लीटर इस दा दस दिता। तो ये अपने जड़ी क्रिएशन होगी, ठीक है क्रिएशन अपनी कंप्लीट है। इस दे विच अपना अकाउंट्स क्रिएट कर लिते, यूनिट्स क्रिएट कर लिते, ते नाले प्रोडक्ट्स क्रिएट कर लिते, दो अपने इस दे विच खाते रह गए क्रिएट करने वाले GST वाले, ठीक है जी GST वाले अपने खाते रह गए क्रिएट करने वाले, तो उन्होंने अपन दे विच क्रिएट कर सकते हैं गया अकाउंट इन्फो दे विच जाके लेजर क्रिएट, जिवें एक GST हुण तुहानू पता है भी GST स्टेट दी ते सेंटर दी दोवां दी हैगी है, मतलब हाफ हाफ हुंदी है, कोई भी प्रोडक्ट सेल या परचेज हुंदा हैगा तां उस केस दे विच, तां उस वेले जिहड़ी GST है आपां अपने ते डिपेंड करदा है भी आपां जिहड़ा खाता उहनां दा कंबाइन लगाना हैगा या उस नूं मतलब आपां अलग अलग लगाना हैगा स्टेट ते, ठीक है। तो ज़्यादा प्रैफर यही किया जाता है, मतलब तुसी अपना जिहड़ा GST का खाता है स्टेट का ते जिहड़ा सेंटर का है वो अलग अलग लगाओ, ते एक जिहड़े टैक्सेस हुंदे ने वो उन्हां दी जिहड़ी रेशो है उसके हिसाब के नाल बनते हैं। जिवें किसी प्रोडक्ट के उत्ते जिहड़ी टैक्स है वो 5% होएगा GST, किसी प्रोडक्ट के उत्ते 18% होएगा, किसी प्रोडक्ट ते हो सकता है ये 9 या 10% होवे, तो इस तरीके नाल उस रेशो नूं ध्यान च रख के आपां उहनां दे जिहड़े अकाउंट्स है इहदे विच क्रिएट करदे हैगे आ। जे मान लो एक आपां इहदे च अकाउंट कीता GST 5%, 5% GST 5%, इस नूं स्टेट दा नेम दे सकदे आपां, ठीक है जी। अलायंस तुसीं शॉर्ट नेम कोई देना हैगा तां उह दे सकदे हैगे हो। उस तो बाद जिहड़ा ये अपना टैक्सेस आएंगे वो टैक्सेस एंड ड्यूटी दे विच आएंगे। ग्रुप हमेशा जो भी तुसी इहदे च लेजर क्रिएशन करनी है तो उदो ग्रुप का ध्यान रखना है, मीनस जिहड़े
लेजर अपने किस ग्रुप दे विच आप एंटर करने ने? ड्यूटी एंड टैक्सेस, ड्यूटी एंड टैक्सेस, ड्यूटी एंड टैक्स। ओके जी, उस तो बाद आप इस दे विच दसते हैं जड़ी ड्यूटी एंड टैक्सेस किस टाइप की हैगी है, उधर दे विच लै दित्ती ते उनकी परसेंटेज किन्नी हैगी है, 5% आप इतने दे दें है, तो 5% आप उपर उसके नेम के क्यों पाया भी आपको पता लगे जरा ये वाला टैक्स हैगा जी, ये वाला GST का खाता हैगा वो 5% वाला हैगा। ओन एडिशनल ड्यूटी और सेल, ओन टोटल सेल से लगाने आप राउंडिंग मैनशनड तो तुसी सॉरी मैथड ऑफ कैलकुलेशन तो इतने आप जरूरत नहीं हैगी डिफाइन करन दी। उस तो बाद अपना इस दे विच आपां वैल्यू एंटर कर मतलब इसनों सबमिट करते हैं। उस तो बाद आपां एक थोड़ा जहाँ च अपना थोड़ा मिसटेक रह गई, जिन्ने ही खाते अपने GST दे हुंदे ने वो डबल हुंदे ने सेल दा ते परचेज दा, ठीक है, या तुसी सिंगल भी कर सकते हो पर आप ज़्यादा प्रैफर करते हैं जेडे सेल ते परचेज दे आप अलग अलग खाते लगाइए आपां पता लगे भी आपां किन्ना जो टैक्स है डिडक्ट किया है तो किन्ना कलैक्ट किया है। ठीक है जी, GST या अगे आप इस लगा दें सेल, सेल GST 5%, 5% सेंटर। हाँ जी, जड़ी इनकी रेशो है वो तुसी रेशो इन दे दोगे 5% हैगी है ऑन टोटल सेल। और भी आप परचेज के खाते लगावांगे परचेज GST, सॉरी उपर आप डिफाइन करना भी ये स्टेट वाला खाता है या अपना सेंटर वाला है। परचेज फाइव परसेंट सेंटर। एक जरा खाता से आप इस अप्लाई किया उस एडिट करा हूँ आप देखा भी जो खाते आप एल्टर किमें करते हैं। हाँ जी, आप वापस जावे इस इतने एल्टर की ऑप्शन है, एल्टर से अपने खाते डिस्प्ले हो जाते हैं। एक खाता आप कला सेल वाला लगाया से GST सेल 5% तो इसमें आप सेल दे पाना है, सॉरी परचेज के पाना है तो उसमें आप परचेज के पावे। सेल GST ओके जी, तो हूँ अपन सेल के परचेज के खाते लगाने पैणगे क्रेडिट दे विच परचेज 5%। जी 5% वाली परचेज है वह कैड़ी हैगी है, तो इसको आप परचेज ग्रुप के लगावे परचेज अकाउंट के। ठीक है जी, इनवेंट्री फैक्टर। हाँ जी, इतने जी आप वैल्यू है
इन्वेंट्री फैक्टर यस करांगे, क्योंकि जो भी आपां कोई चीज़ परचेज करांगे तो अपना जो इन्वेंट्री दे विच इनक्रीज होएगा, तो उदो जी इन्वेंट्री वैल्यू है, स्टॉक की वैल्यू है, वो अपनी फैक्टर होनी चाहिए हैगी है। ते टाइप ऑफ लेजर इनवॉइस राउंडिंग करना है या तुसी नोट एप्लीकेबल करना है, एक बार तुसी इन्दे च कर सकते हैगे हो। उस तो अपना सेल का खाता लगेगा, सेल 5%। हाँ जी, ये अपना सेल ग्रुप दे विच होएगा। सेल अकाउंट दे विच ओके जी, ता उदो भी इन्वेंट्री फैक्टर यस होएगी। टाइप ऑफ लेजर तुसी इन्दे च डिफाइन करना है, तो एक बार तुसी नोट एप्लीकेबल कर सकते हैं अगे हो। ये किसी भी मोमेंट से तुसी जड़ी इन्दी वैल्यू है तुसी चेंज कर सकते हैं अगे हो इस वास्ते मीन्स। हाँ जी, हुन आपां अपने खात्यां नूं चेक करिए, मैं अपने जिहड़े खाते है टोटल पूरे अपने लग चुके ने। हाँ जी, डिस्प्ले दे विच वेखांगे, कैश अकाउंट नूं आपां नूं क्रिएट करन दी जरूरत नहीं हुंदी, कैश अकाउंट बाय डिफॉल्ट इस दे विच क्रिएट हुंदा हैगा। आपां एक जिस कोलों फर्नीचर खरीदया है उसदा खाता लगा लिता, एक जिस कोलों आपां अपना गुड्स खरीदियां ने उसदा खाता लगा लिता। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑटोमैटिकली इहदे विच इनबिल्ट हुंदा है, मतलब बनया बनाया हुंदा हैगा। परचेज अकाउंट आपां लगा लिता, परचेज जीएसटी सेंटर लगा दिता, परचेज जीएसटी स्टेट लगा लिता। उस तो बाद आर के गुप्ता का खाता लगा लिता, जिन्हें कोलों आपां दुकान किराए से लीती हैगी है, सेल 5%, ठीक है जी, वह खाता लगा लिता आपां, ते सेल जीएसटी स्टेट। स्टेट का सेल का खाता अपना लग गया हैगा, ते सेंटर का अपना सेल का खाता लग गया हैगा। उस तो बाद शॉप फर्नीचर का खाता लगा लिता, शॉप रेंट का खाता लगा लिता, अपना अपना फर्म के बैंक का खाता लगा लिता, ते अपने प्रोपराइटर जिसने अपने बिजनेस दे विच इन्वेस्ट किया है वो खाता रह गया। इको खाता अपना हुन पेंडिंग हैगा है, शॉप एक्सपेंस, ठीक है जी, तो उसनों अपना क्रिएट करांगे। शॉप एक्सपेंस अपने मिसलेनियस रेंट खर्चे होंगे ने, मीनस जड़े फुटकल खर्चे ने, तो उन्होंने वास्ते जिमें किसी दुकान के डेली दे बेसिस पे खर्चे होंगे ने छोटे मोटे, तो उन्होंने वास्ते लगाने आप। हाँ जी, इसनों आप जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस के आन गए अपने। तो इन्वेंट्री फैक्टर नो, तो पहले आपको क्लियर किया होया भी इन्वेंट्री फैक्टर कितने होएगी अपनी सेल से परचेज के होएगी। हाँ जी, एक जी अपनी थोड़ी जी मिसटेक रहेगी, मीनस आप जो गुड्स ने हैं वो प्राइस आप एंटर करने से, तो प्राइस आप एंटर कर दिए। हाँ जी, इन्वेंट्री के जावे स्टोक आइटम डिस्प्ले अल्टर, इतने भी तुम मैनशन कर सकते हो जरा जी टैक्स ड्यूटी है वो कितनी हैगी है, 5% हैगी है। क्वांटिटी ये ओपनिंग बैलेंस की हैगी है, प्राइस उस वेले भी आप डिफाइन कर सकते हैं, तो रेट तुम इतने दे सकते हैं। क्वांटिटी अपनी निल हैगी है, ओहो वैसे अगे तो रेट इतने लगा होंगे है रेट का, रेट आप उत्थे मतलब जो आप चीज़ बाय या परचेज करते हैं तो उस वेले भी आप एंटर करते हैं। हाँ जी, हूँ जो अपना काम है स्टार्ट होंगे हैगा वोचर एंट्री तो, अकाउंटिंग वोचर तो। हाँ जी, सब नो पहली जड़ी एंट्री बिजनेस के पिछ होंगी है, जो बिजनेस स्टार्ट होंगे हैगा। एक मिनट, हेलो हेलो, ओके
ओके जी, ठीक है जी, ओके जी। हाँ जी, जरा अपना जरा टॉपिक सी वो काफ़ी लेंथी सीगा, क्योंकि तुम शायद शुरू से भी देखा होना जरा आप इंट्रोडक्शन दिखती है उसकी थोड़ा फासली दिखती हैगी है, क्योंकि आप मतलब इन्ना सारा क्वेश्चन क्रिएट करना सीगा। ठीक है जी, हुण जिहड़ी इत्थे अपना टॉपिक हैगा वोचर एंट्री ते, वोचर एंट्री ते आपां करदे आ मीनस वो अपनियां वोचर एंट्रियां कित्थों हुंदियां ने, जिहड़ी अपनी बेसिक अकाउंटिंग है जिथे आपां गोल्डन रूल्स कीते ने उहनां दे बिहाफ ते हुंदियां ने। मीनस हुण आपां इत्थे डिफाइन करदे आ वी कहड़ा अपने कोले जिहड़ा हैगा जिहड़ी अपनी एंट्री है उस दे विच जिहड़े दो अकाउंटां दे विच एंट्री होई जांदी है उहनां विचों अकाउंट कहड़े ने, वो रियल ने, परसनल ने या नोमिनल ने। नोमिनल ने तां उस दे बिहाफ दे उत्ते आपां उहनां नूं एंट्री दिंदे हैगे आ, उहनां नूं डील करदे हैगे आ किस नूं क्रेडिट करना है किस नूं डेबिट करना हैगा। ठीक है जी, तां इत्थे काम अपना जिहड़ा वोचर एंट्री दा स्टार्ट हुंदा हैगा, ते फर्दर इंट्रोडक्शन जिहड़ी एंट्री है वी आपां इक शॉप दा खाता किवें मेनटेन करना हैगा वो आपां थोनूं नैक्सट लैक्चर दे विच डिफाइन करांगे। हाँ जी, थैंक यू सब दा। हुण आपां क्वेश्चन भी अपनी स्टार्ट करांगे, मैं थोनूं अपनी पीपीटी दी स्क्रीन शेयर करवाना हैगा। हाँ जी, अपना जिहड़ी ट्रांजैक्शन सीगियां वो इस तरह सीगियां, आपां चाहुंदे सी भी ट्रांजैक्शन आपां एंटर करके ते जिहड़ा बैलेंस शीट या ट्रायल बैलेंस या लैजर दे खाते नूं आपां चैक कर सकीए, तां इन्ने छोटे टाइम दे विच अपना पॉसिबल नहीं सी। तां बाकी जिहड़ा काम हुण रहि गया थोड़ा रहि गया हैगा अकाउंटिंग नूं डिफाइन करन दा, तां हुण अपना क्वेश्चनरी मॉड्यूल हैगा थोड़ा जिहा तुसीं इस दे विच पार्टिसिपेट करो ते आपां नूं पता लगे भी आपां की सीखिआ ते की आपां इस दे विच अपने डाउट हैगे ने। हाँ जी, रंजीत कौर राइज करी दी भी हैंड, तां मैं वेख्या इन बिटवीन भी तुसीं बहुत सारे लोकां ने राइज कीते हैंड, पर इन बिटवीन पॉसिबल नहीं हुंदा हैगा क्योंकि जिहड़ा अपना प्रियोरिटी हुंदी हैगी है अपना जिहड़ा सैशन है ते उस दे बिहाफ दे उत्ते आपां अपने लैक्चर नूं कंप्लीट करना। हाँ जी, किसी दा कोई क्वेश्चन है तां प्लीज़। हाँ जी बच्चों, कोई थोड़ा क्वेश्चन हैगा तो तुसी प्लीज़ इत्थे उसनू शेयर कर सकते हैगे हो, कि पता थोड़े माध्यम दे नाल किसी होर बच्चे दे भी डाउट क्लियर होन, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का की प्रॉब्लम होंगी मीनस वो संगदे ने कोई भी गल पूछन वेले। शिल्पा वर्मा प्लीज अपना क्वेश्चन पूछो। तुझे अनम्यूट करो। शिल्पा वर्मा, हाँ हेलो हेलो, यस हेलो, गुड मॉर्निंग क्वेश्चन सर। पूछो मैम प्लीज। हाँ गुड मॉर्निंग जी। सर वो परचेज एसटी बारे में पूछना सी, समझ नहीं आई। जीएसटी जीएसटी लगा, तो लगेगा ही, जिस जिस प्रोडक्ट पे जीएसटी है वो तो लगेगा ही। तो हुण दसो जदों आपां मतलब परचेज कीती, हाँ जी ठीक है, मैम, एक एक तां जिहड़ा प्रोडक्ट दा प्राइस हैगा ओहो, ते उत्ते उहदे ते ड्यूटी की है, टैक्स ड्यूटी की हैगी है ओहो लग के अपना जिहड़ा फाइनल प्राइस बनदा हैगा ना। तां जदों आपां उहदी परचेज दी एंट्री पाने आ तां उत्थे आपां उहदे टैक्स मैंशन करदे आ, किन्ने चीज किन्ने ते आपां उहनूं चीज खरीदी उहदी टोटल अमाउंट किन्नी बनी, मतलब बल्क खरीदिया जिवें आपां कोई मान लो 50 लीटर आपां कोई चीज़ खरीदी हैगी है, तां 1 लीटर दा प्राइस उसका मान लो 150 हैगा, तां टोटल किन्ना बन गया, टोटल ते हुण जिन्ना उहदे ते टैक्स ड्यूटी है वो किन्ना हो गया, वो ऑटोमैटिकली जिहड़ा टैली ने कैलकुलेट करना हैगा। ओके जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कोई नहीं, मैं नेक्स्ट स्टूडेंट्स एक जो नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर जो तोड़ नेक्स्ट बिल्कुल बिल्कुल जो लगाऊंगा। नेक्स्ट हाँ वीक है, थैंक जी, कोई यू सर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स लेक्चर में मैं अगला थोड़ा लगाऊंगा, सेशन, उस दे विच मैं थोनू मतलब जड़े हैगे अपने इस दे बारे जानकारी दूंगा भी किवें डाटा एंट्री करते हैं, जड़ी अपने अकाउंटिंग बेसिक कीती है आपां उसनू आपां किवें एप्लीकेबल करना उसकी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू ऑल। थैंक यू।